गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज रॉयल एनफील्ड की सेकंड ट्रिप जो जा रही है झांझरी वाटरफॉल, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। 6:30 बजे हम मिलना है, तो लगभग 6:25 यहीं पे घर पे हो चुके हैं। तो नाउ आई एम मूविंग टू माय कैंप, जहाँ पे हम सब इकट्ठा होंगे और वहीं से हम निकलेंगे झांझरी वाटरफॉल। तो रॉयल एनफील्ड का ये दूसरा ट्रिप है मेरा। चलिए, सो गाइस, पहुंच चुका हूं मैं कर्णावती बाइक्स, जहां पे सभी राइडर्स जो हैं वो एक इकट्ठे हो चुके हैं वात्रक डैम की तरफ जाने के लिए। अभी डिस्कशन चल रहा है, लोग अपनी बाइक्स के साथ रेडी हैं, राइडर्स जितने भी हैं। कुछ राइडर्स तो प्रॉपर अपने गियर सूट में आए हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से राइडिंग करते हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमें हमारे लीडर जो हर्षिल जो लीड कर रहे हैं इस ट्रिप को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है ये ट्रिप कर्णावती बाइक्स की तरफ से, मिस्टर हर्षिल अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस अपनी टीम को देते हुए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे ड्यूरिंग दिस राइड, कैसे आपको स्टॉप करना है, कैसे एक लाइन में चलना है, कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा, कोई भी रैश ड्राइविंग नहीं करेगा, जो भी होगा वो ग्रुप में ही आप सबको एक साथ चलना है। इंस्ट्रक्शन के बाद अभी सभी जो हैं एक साथ निकलेंगे टुवर्ड्स वात्रक डैम, उसके बाद वात्रक से होते हुए झांझरी वाटरफॉल देखते हुए वापस अहमदाबाद आएंगे। तो ये देखिए, सभी अब निकलने के लिए तैयार हैं, एकदम फुल जोश में। आज का ये ट्रिप रॉयल इनफील्ड कर्णावती बाइक की तरफ से टुवर्ड्स वात्रक डैम एंड झांझरी वाटरफॉल, तो हम सभी निकल चुके हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे एक नए पड़ाव पे, फिर आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप। अभी हम दादीची ऋषि ब्रिज पे हैं, जो साबरमती के ऊपर बना हुआ है, और सामने आप देख सकते हैं सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारा जो ट्रूप है वो निकल चुका है वात्रक पार्क के लिए। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए बहुत ही सुकून मिलता है कि ज़िंदगी का हर लम्हा इसी तरह खूबसूरत होना चाहिए, नए साथी नए जोश के साथ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हमारे कुछ साथी हैं जो पीछे छूट चुके हैं, तो अभी बाकी की टीम उन्हीं का इंतज़ार कर रही है। उनके आने के बाद हम जो बचा हुआ सफ़र है तकरीबन 25 किलोमीटर का, वो पूरा करेंगे टुवर्ड्स वात्रक डैम। तो फ्रेंड्स, फाइनली वी रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन वात्रक डैम। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक्साइटेड है सभी लोग, फ़ोटो सेशन किया जा रहा है, काफ़ी लोग खुश हैं ये नज़ारा देखते हुए। हालांकि इस जगह से ज़्यादा जो खुशी है वो लोगों में राइड की रहती है, ताकि वो अपनी रॉयल इनफील्ड के साथ दूर दूर तक घूम सके। तो सभी लोग ग्रुप्स में देखिए डिस्कशन कर रहे हैं, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, सभी की बाइक्स एक लाइन में खड़ी हैं। अभी यहाँ पे कुछ इन्जॉयमेंट होगा, लोग घूमेंगे, नेचर का मज़ा लेंगे, एकदम से शांति, कोई भी पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन फ्री एरिया। अब देख सकते हैं लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम को, ये वक्त कहीं नहीं मिलता है दोस्तों, बस इसको पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, फ़ोटो सेशन हो रहा है। तो आप भी हमारे साथ लीजिए मज़ा वात्रक डैम का, और एंजॉय करिए ये पल, और कभी भी मौका मिले तो ज़रूर
अभी हमारे ग्रुप ने एक डिसाइड किया है कि हम पानी के किनारे जाएंगे, थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हुए ऑफ रोडिंग का मज़ा लेंगे, क्योंकि अगर आप रॉयल इनफील्ड की सवारी कर रहे हैं और ऑफ रोडिंग नहीं करेंगे तो रॉयल इनफील्ड की बेइज्जती है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जानी जाती है अपनी ऑफ राइडिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ पाई जाती है रॉयल इनफील्ड। तो अभी सभी रेडी हैं, हम पानी के किनारे जाएंगे सभी एक साथ, वहाँ पे कुछ देर बैठेंगे आराम करेंगे। ये हमारे साथ एक फीमेल राइडर भी हैं जो काफ़ी अच्छा बैलेंसिंग, काफ़ी अच्छी ग्रिप है जिनकी बाइक पे। मैं भी हैरान हो गया कि इतनी अच्छी तरह से कोई ग्रिप करना इतनी भारी बाइक को, भारी भरकम बाइक है, 198 kg वेट है इस बाइक का। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पानी के किनारे, एकदम बिल्कुल किनारे पे सभी बाइक्स खड़ी हैं, और यहाँ पे भी थोड़ी देर रुक के फ़ोटो सेशन करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे नेचर का। कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, किसी तरह की गंदगी नहीं है। हमें भी यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कोई प्लास्टिक का यूज़ ना करे, कोई भी यहाँ पे कचरा ना फेंके, खाने पीने की चीज़ों को यहाँ से दूर रह के ही खाएँ और हम कभी गंदगी ना फैलाएं। तो दोस्तों चलिए लीजिए मज़ा हमारे साथ आप भी इस नेचर का। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स झांझरी वाटरफॉल देखने के लिए। Thank you.
तो दोस्तों फाइनली हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन झांझरी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। वैसे तो इस वाटरफॉल की जो मतलब जो माना जाता है इस वाटरफॉल के बारे में, बरसात के मौसम में सावन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि यहाँ से दूर रहें। बट अभी सर्दी का टाइम है, दिसंबर का मंथ है, तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है। तो एक छोटी सी जगह है यहाँ पे, लोग फैमिली के साथ आए हैं संडे मनाने, पिकनिक, एक स्मॉल पिकनिक के जैसा हो जाता है और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे नहाकर। देख सकते हैं आप कुछ लड़के, कुछ फैमिली मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे ट्रूप के जो लीडर हैं मिस्टर हर्षिल, वो भी पानी के बीच में उन्हीं कपड़ों के साथ बैठ के मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि पानी को देख के तो किसी का भी जी मचल जाता है और रहा नहीं जाता। खैर हम तो दूर से ही इंजॉय करेंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है, अगर गीले कपड़ों में ज़्यादा देर रहे तो बीमार होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए ऐसे काम से तौबा ही कर ली जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों झांझरी बहुत ही फेमस प्लेस है अहमदाबाद गुजरात का, तो कभी भी आपका आना हो गुजरात, कभी भी दिल करे घूमने का तो झांझरी विज़िट ज़रूर करें। तो लीजिए मज़ा फ़िलहाल इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए और देखिए झांझरी वाटरफॉल का नज़ारा। शाम के 5:30 हो चुके हैं, अभी हम भी वापस निकलने के लिए तैयार हो गए हैं, जबकि सूरज भी अभी अपने घर को जा रहे हैं और हमें भी अब घर को निकलना चाहिए। तो दोस्तों आज का ट्रिप कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।